स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे पाठ में हम अचालक गोला पढ़ रहे थे। अचालक गोले का तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। अचालक गोले के तीसरा पॉइंट, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, इसका मतलब क्या होगा, इसको आर का जो मान है वो कैपिटल आर छोटा होगा। ये तो त्रिज्या है इस अचालक गोले की और अंदर स्थित बिंदु P है वो यहाँ पर है, ये स्मॉल r। अचालक गोले में आवेश कहाँ होता है, अंदर की ओर, P अंदर की ओर आवेश होना, ठीक है। तो B और E के संबंध से मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, कैलकुलेशन लेंथी जाएगी। तो B और E का संबंध क्या है, B बराबर समाकलन माइनस E डॉट dr। ये समाकलन जब अंदर स्थित बिंदु होता है तो अपन ने चालक गोले में पढ़ लिया, दो भागों में टूट जाता है। पहले जो आपका परीक्षण आवेश अनंत से पृष्ठ पे आएगा और पृष्ठ पे कहाँ आएगा, अंदर। तो इसको तोड़ देते हैं तो वी इन आपके पास आ जाएगा माइनस समाकलन से पहले इन्फिनिटी से कैपिटल आर, उसके लिए तो हम ई आउट का हम मिलेंगे इंटू डी आर, और दूसरा समाकलन तोड़ दिया कैपिटल आर से स्मॉल आर, यानी कि पृष्ठ से फिर अंदर आएगा और इसके लिए आ जाएगा आपके पास ई इन इंटू डी आर, ठीक है। तो भाई अपन ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया है बाहर स्थित बिंदु पर अचालक गोले के और अंदर स्थित बिंदु पर, दोनों के मान क्या क्या थे। तो बाहर स्थित बिंदु पर आपके पास आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और अंदर स्थित बिंदु पर क्या था, ई इन बराबर के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, ध्यान है क्या, ठीक है। दोनों मान यहाँ रख देंगे और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा वी इन बराबर माइनस अनंत से कैपिटल आर और रखो मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। क्या कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, बाकी का समाकलन कर देंगे तो वी इन बराबर यहाँ से माइनस का के क्यू कॉमन और यहाँ से आपके पास एक बटे आर स्क्वायर बचेगा, इसका समाकलन होगा माइनस एक बटे आर, लिमिट आएगी इन्फिनिटी से कैपिटल आर। माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, तो के क्यू कॉमन है, कैपिटल आर क्यूब नीचे कॉमन है और आपके पास आ जाएगा यहाँ से स्मॉल आर इंटू डी आर, जिसका समाकलन होगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी आपके पास कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है। लिमिट रख दो भाई, लिमिट रखे क्या आ जाएगा अभी बराबर माइनस और ये माइनस का आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा के क्यू, लिमिट रखेंगे कैपिटल आर तो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, फिर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू और यहाँ लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट आर स्क्वायर फिर माइनस आर स्क्वायर, ये भाई टू भी इसके बटे, ठीक है। तो बटा दो, कुछ नहीं करना, गुणा कर दो, वी इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बटे दो माइनस और माइनस प्लस के क्यू। हाँ भाई, तो भाई क्या करेंगे, इस के क्यू अपॉन आर क्यूब पर भी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा वी इन बराबर के क्यू अपॉन आर, ये माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब और यहाँ पे आर स्क्वायर बटे दो, और ये इससे भी गुणा होगा, इससे गुणा होगा माइनस और माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बटे दो। तो भाई क्या कटा, जहां से देखो आर स्क्वायर से एक आर क्यू कटेगा तो एक आर वन बच जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा वी इन बराबर के क्यू बटे आर माइनस के क्यू अपॉन टू आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर और यहां से प्लस के क्यू बटे टू आर, एक आर बच जाएगा नीचे। सब में से लघुतम बताओ, कॉमन बताओ पहले, तो कॉमन ले लेते हैं फिर लघुतम कर लेंगे। तो कॉमन बताओ, तो वी इन बराबर आ जाएगा के क्यू कॉमन है सब में, तो यहां से क्या बच जाएगा एक बटा आर, यहां से क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर बटे टू आर क्यू और यहां से के क्यू कॉमन लेंगे तो प्लस का एक बटे दो आर, ठीक है। लघुतम ले लेते हैं तो वी इन बराबर आ जाएगा के क्यू, लघुतम क्या लेंगे देखो टू आर क्यूब लघुतम ले लिया, सबसे बड़ी जो संख्या है वो लघुतम ले लिया अपने टू आर क्यूब, तो इसके पास क्या आ जाएगा देखो आर से आर कैंसिल आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस यहां से आर स्क्वायर, यहाँ टू आर है तो टू से टू लघुतम में कैंसिल और एक आर से आर कैंसिल तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा वी इन बराबर के क्यू, ये देखो टू आर स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर बटे टू आर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ ले। ये आ गया जो अचालक गोला है उसके अंदर स्थित बिंदु पर जो विभव का मान है वो। अच्छा केंद्र पे याद करें तो क्या करें, केंद्र पे कब आएगा ये बिंदु, जब ये बिंदु किसक के आ जाएगा तो छोटा आर का हो जाएगा जीरो, तो केंद्र पे याद कर देते, तो केंद्र पे क्या जाएगा देखो गोले के केंद्र पर, केंद्र पर विभव, तो केंद्र में स्मॉल आर बराबर क्या ले लेते हैं जीरो, ठीक है। तो यहां जीरो रखेंगे तो क्या जाएगा V इन बराबर के क्यू, ये जीरो हो गया तो यहां से आ गया तीन आर स्क्वायर बटे दो आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक बच जाएगा नीचे, तो V इन बराबर आ जाएगा तीन बटा दो के क्यू बटे आर, और तीन बटा दो के क्यू बटे आर, तो ये के क्यू बटे आर क्या है गोले के पृष्ठ पर विभव, तो गोले के पृष्ठ पर विभव है तो वी इन बराबर आ जाएगा तीन बटा दो वी एस। इसका मतलब ये आ गया पृष्ठ पर और अंदर स्थित जो बिंदु है, ये सेंटर लिखना सेंटर, ये सेंटर में, सेंटर पे आए वी इन नहीं है, कहाँ है सेंटर पे, तो सेंटर पे और पृष्ठ में क्या रिलेशन आ गया, वी सेंटर इज इक्वल टू 1.5 वी एस, यानी कि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जो पृष्ठ पर विभव आएगा अगर उसको 1.5 से गुणा कर देंगे तो कहां आ जाएगा गोले के केंद्र पर विभव आ जाएगा, ठीक। ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ देखो इसका ग्राफ क्या आएगा, ये आर है इधर स्मॉल और ये वी है, ठीक। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा वी आउट, जी आउट जो है एंटी प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर पे, यहाँ जो है ये घुमाव यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल, ठीक। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ प्राप्त होगा। क्या किया अपन ने, इसकी कैलकुलेशन की है, समाकलन है, कोई फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।